हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक है। क्या आपके पैरों में आपको खिंचाव जैसा महसूस होता है, और आप पैर के पिछले हिस्से में अगर आप देखें तो आपको ब्लू कलर का गुच्छा जैसा महसूस होता है। आप उसको टच करें तो आपको ऐसा फील होगा कि आपकी जो वेन्स है वो एकदम उपसी हुई और डायलेट हो गई है। तो ये वेरिकोस वेन्स की वजह से हो सकता है। तो आज की वीडियो में हम उसके बारे में डिटेल में देखेंगे, उसके कॉजेस देखेंगे, उसके सिम्टम्स देखेंगे, और ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि वीडियो के एंड में हम उसकी एक्सरसाइजेस देखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम देखेंगे वेरिकोस वेन्स क्या है और कैसे होता है। हमारी बॉडी में आर्टरीज होती है और वेन्स होती है। आर्टरीज और वेन्स का डिफरेंस क्या है? आर्टरीज जो है वो रेड कलर की होती है और जो वेन्स है वो ब्लूइश ग्रीन कलर की दिखती है। आर्टरीज रेड कलर की क्यों है? क्योंकि उसके अंदर जो ब्लड फ्लो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उसे हम प्योर ब्लड बोलते हैं। और जो वेन्स के अंदर ब्लड होता है वो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जिसमें थोड़ी इम्प्योरिटीज़ होती है। तो जो वेन्स है उसमें जो ब्लड है वो सारे मसल्स से और ऑर्गन से हमारी हार्ट में जाएगा प्योरीफाई होने के लिए, और हार्ट से आर्टरी के थ्रू वो हमारी बॉडी में प्योर और ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करेगा। तो वेन्स के अंदर वाल्व्स होते हैं। ये जो वाल्व्स है वो यूनिडायरेक्शनल होते हैं। यूनिडायरेक्शनल का मतलब ये अगर हमारी ये आर्टरी है तो उसके अंदर वाल्व एक गेट बनाते हैं, गेट जो एक ही डायरेक्शन में खुलता है। तो अगर ये गेट है तो जो ब्लड है वो यहाँ से ऊपर जा रहा है। तो अगर ये जो वाल्व्स है उसका जो फंक्शन है यानी कि गेट को खोलना, अगर वो अच्छे से नहीं होता तो उसकी वजह से जो ब्लड है वो ऊपर नहीं जाता और उसको जो वहाँ पे वो एक्यूमुलेट हो जाता है, यानी कि जो ब्लड फ्लो है वो वहाँ पे रिस्ट्रिक्ट हो जाता है और उसकी वजह से हमें फील होता है कि हमारी जो वेन्स है वो डायलेट हो गई है। और इससे जो बॉडी में सर्कुलेशन है स्पेशली हमारे पैरों में वो इम्प्रॉपर होता है। वेरिकोस वेन्स क्या है और कैसे होता है ये तो हमने देख लिया, अब उसके हम कॉजेस देखेंगे। कॉजेस एज सच ऐसा कुछ भी नहीं है, पर जनरली ये लेडीज़ में देखने मिलता है और उनमें देखने मिलता है जिन्हें लॉन्ग टर्म स्टैंडिंग पोजीशन रखनी होती है, यानी कि वॉचमैन है या तो फिर कोई क्रोनिक स्मोकर है तो उसमें भी ये बहुत कॉमन है। जिनमें भी उनका ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं होता उसमें वेरिकोस वेन्स बहुत देखने मिलती है, और पेशेंट्स जो ओवरवेट है तो उसमें भी वेरिकोस वेन्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो अब हम देखेंगे उसके सिम्टम्स क्या है। तो जनरली जिन्हें वेरिकोस वेन्स होता है वो लेग पेन की कंप्लेन करते हैं, उनके लेग में उनको बहुत हैवीनेस फील होता है और बहुत डिस्कम्फर्ट फील होता है। हम सबको पता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो वेरिकोस वेन्स ना हो उसके लिए हमें क्या करना है? तो उसके लिए आपको रेगुलर एक्सरसाइजेस करनी है और आपको वॉकिंग करना है। वॉकिंग से क्या होगा, आपके जो पैर के पीछे वाले मसल्स है यानी कि जो आपकी काफ मसल्स है उसकी एक्टिविटी अच्छी होगी और वो ब्लड को ऊपर पंप करेंगे। काफ मसल्स को हमारे बॉडी का सेकेंड हार्ट भी बोलते हैं क्योंकि वहाँ पे जो भी वेन्स है उसको पंपिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो काफ की जो एक्टिविटी है वो करनी भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर पाए पर आप वॉकिंग तो ज़रूर करिए। फर्स्ट एक्सरसाइज है एंकल टो मूवमेंट। इसमें आपको क्या करना है, अपने पैर के दोनों पंजे हैं उसको ऊपर और नीचे की ओर खींचना है। इससे क्या होगा, हमारी काफ मसल से ये पंपिंग मूवमेंट से हमारी बॉडी का स्पेशली हमारे लेग्स का ब्लड सर्कुलेशन है वो इंप्रूव होगा। तो इससे जो वेन्स है उससे ये जो ब्लड हार्ट तक इजीली पहुंचेगा और वो कहीं पे भी एक्यूमुलेट नहीं होगा और उसकी वजह से जो गुच्छा आपको फील होता है वो नहीं देखने मिलेगा। तो आप ये एक्सरसाइज मिनिमम 2 to 5 मिनट्स तक कर सकते हैं। सेकेंड एक्सरसाइज के लिए आपको एक पैर मोड़ना है
और दूसरा पैर आपको सीधा ऊपर 60 डिग्री तक आपको लिफ्ट करना है। लिफ्ट करने के बाद आपको अपने पैर के पंजे है उसको अपनी ओर खींचना है और फिर पैर को नीचे रखना है। ये एक्सरसाइज आपको दोनों पैर में करनी है और स्टार्टिंग में आप 10 रिपीटेशन कर सकते हैं और धीरे धीरे रिपीटेशन बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए मैं मेरा राइट लेग ऊपर लिफ्ट कर रही हूँ, एंकल अपनी ओर खींच रही हूँ एंड देन रिलैक्स। ये एक्सरसाइज हम 10 टाइम्स करेंगे, रिलैक्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो प्रीवियस एक्सरसाइज का वेरिएशन है। इसमें आपको जब आप पैर अपना ऊपर लिफ्ट कर रहे हैं तब आपके पंजे अपनी ओर खींचने हैं और रिलैक्स करने हैं, खींचना है और रिलैक्स करना है। ये एक्सरसाइज में आपको हवा में एंकल मूवमेंट 10-15 टाइम्स करनी है। इससे क्या होगा, आप जब पैर अपने लिफ्ट करेंगे तो जो ब्लड हमारे जो काफ मसल्स में यानी कि बैक ऑफ अवर लेग जो ब्लड जमा हुआ है वो धीरे धीरे हमारे ऊपर की ओर आएगा और हार्ट तक पहुंचेगा। तो ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपको पैर लिफ्ट करना है, एंकल अप डाउन अप डाउन अप डाउन 10 टाइम्स करिए और फिर पैर रिलैक्स करिए। फिर दूसरी ओर पैर उठाइए, एंकल मूवमेंट 10 टाइम्स एंड रिलैक्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज है बाइसिकलिंग। ये एक्सरसाइज हमारे पेट की चर्बी को कम करने के लिए भी यूजफुल है। तो अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। तो इसमें आपको दोनों पैर उठा के आपको बाइसिकल करना है। स्टार्टिंग में आप ये 30 सेकेंड्स के लिए कर सकते हैं और फिर धीरे धीरे 2 मिनट तक आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। इससे भी आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इंप्रूव होगा। लास्ट एक्सरसाइज है हिप एंड टो रेज। ये एक्सरसाइज एकदम सिंपल है। अगर आप वुमेन है और आपको किचन में ज्यादा टाइम खड़े रहना होता है तो आप ये एक्सरसाइज किचन में भी कर सकते हैं, आप अपनी वर्क प्लेस में भी ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो इसमें क्या करना है, आपको खड़े रह के अपनी हिल है उसको ऊपर उठाइए फिर टोज उठाइए, हिल एंड देन टोज। इसमें हमारा जो काफ है उसमें पंपिंग मूवमेंट होगी और उससे ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा। तो ये आप 10-15 टाइम्स कर सकते हैं। आपको ये सारी एक्सरसाइज दिन में मिनिमम 2-3 बार करनी है। हार्डली 5-10 मिनट्स होंगे ये सारी एक्सरसाइजेस करने में। ये सारी एक्सरसाइजेस बहुत इफेक्टिव है और बहुत यूजफुल है। मैं मेरे सारे पेशेंट्स को यही एक्सरसाइजेस करवाती हूँ। वेरिकोज वेंस में जो वेंस डायलेट हो गई है तो इससे उसको हम फर्दर प्रोग्रेशन से बचा सकते हैं। तो प्लीज़ आप ये एक्सरसाइजेस रेगुलरली ज़रूर करिए। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक कंडीशन के लिए वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं पूरा ट्राई करूँगी कि मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँ। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।